हेलो दोस्तों, गोल टेक्निकल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अक्टूबर महीने का GST या 3B रिटर्न फाइल कैसे करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें, वीडियो में पूरी जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से करूंगा एक गुजारिश, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए इस घंटी के आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। डीजीमेल में आज ही हमें एक मेल आया है CSE की तरफ से, और उसमें हेडिंग दिया गया है प्रोसेस फॉलो फॉर फिलिंग GST आर 3B नियर रिटर्न। इनका कहना है कि अपने GST आर 3B को नियरली ही रिटर्न कर देना है, फिल कर देना है। और इसमें बताया गया कि जिन्होंने अपने GST आर ना अक्टूबर महीने में प्राप्त किया है, अपना GST आर 3B अक्टूबर महीने का 20/11/2017 के पहले बिना किसी लेट फाइन के फाइल कर दें। इन्होंने कहा है कि अगर आप GST आर 3B का अभी तक अक्टूबर महीने का आपने भुगतान नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी 20/11/2017 से पहले पहले कर दें, नहीं तो आपको लेट फीस देनी पड़ेगी। और आज 14 तारीख होगी और 20 तारीख से पहले करना है तो सिर्फ 6 दिन ही रहे हैं। और नीचे इन्होंने प्रोसेस मैनुअल भी दिया हुआ है, एक इंग्लिश में है और एक हिंदी में है। चलो मैं आपको हिंदी में दिखाता हूँ कि इसमें हमें कैसे कैसे करना है। फिर सबसे पहले तो आपको GST की साइट में चले जाना, वहाँ पर जाकर आपको लॉगिन हो जाना। फिर डैशबोर्ड पर आपको रिटर्न डैशबोर्ड की एक ऑप्शन दिखाई देगी, तो आपको रिटर्न डैशबोर्ड पर क्लिक कर देना है। वहाँ से आपको फाइनेंशियल ईयर 2017-18 और रिटर्न फाइलिंग पीरियड अक्टूबर सेलेक्ट करके सर्च कर लेना है। फिर आपको एक ऐसा डैशबोर्ड दिखाई दे फिर आपको ऐसा डैशबोर्ड दिखाई देगा जिसमें आपको GST या 3B का एक ऑप्शन दिखाई देगा, प्रिपेयर ऑनलाइन पर क्लिक कर लेना। उसके बाद आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा और इसमें आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, जैसा है इसको ऐसे रहने देना है 00, और आपको सेव बटन पर क्लिक कर देना, सेव GST या 3B। तो आपका जब सेव हो जाएगा तो आपको ऐसा मैसेज शो करेगा, GST या 3B डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली। जब ये हो जाए फिर आपको इसको सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद आपको स्टेटस में सबमिट दिखाई देने लगेगा। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ टिक मार्क में टिक कर देनी है, और यहाँ पर घोषणा करके आपको फाइल GST आर 3B विद DSC या फाइल GST आर 3B विद EBC दोनों में से एक सेलेक्ट कर इसे सबमिट कर देना। और आपको एक वार्निंग आएगी, यू आर अबाउट टू द फाइल GST आर 3B वुड यू लाइक टू प्रोसेस, तो आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। और आपको फिलिंग सक्सेसफुली का मैसेज शो कर जाएगा और आपका GST आर 3B अक्टूबर महीने का फिल हो जाएगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा दी गई ये छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा BLE भाइयों तक इस इन्फॉर्मेशन को पहुँचाएँ कि वो 20 तारीख से पहले पहले अपने GST आर 3B को फिल कर दें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।